महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर ये एग्जैक्टली पान बाजार में है। पान बाजार के जो बस स्टॉप है ये एग्जैक्टली वहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये एंट्रेंस है। और हमें सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। टिकट का जो प्राइस है दैट इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये ओल्ड डेप्यूटी कमिश्नर बंगलो था पान बाजार में, जिसे रेनोवेट करके महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। एंटर करते ही लेफ्ट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं कल्चरल व्हील से डेकोरेशन किया गया है, जैसा कि टिबेटन प्रेयर व्हील्स होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ एंड सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये एक स्कॉटिश वुडन बंगलो है जो कि 1850 से है और इसे रेनोवेट करके एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डॉक्टर एम वेंकैया नायडू मेंशन है जो कि डॉक्टर नहीं मेंशन होना चाहिए था, तो ये एक छोटी सी गलती थी। अब हम आगे चलते और ये जो आप देख रहे हो दी हेरिटेज आल्पुना विच इज़ बेसिकली अ रंगोली, ये काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। अब ये फ़िलहाल बंद था बिकॉज काम चल रहा था वहाँ पर। एंड ये जो बंगलो आप देख रहे हो दिस इज़ द ओल्ड डीसी बंगलो। अंदर जाने से पहले हम एक बार बाहर चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको दो व्यूइंग डेक मिल जाएगा, पहला ये है और एक जो है वो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड अब हम अंदर चलते हैं। वीविंग हेरिटेज, इस रूम को 7 सेक्शन में सेग्रीगेट किया गया है जिसकी डिटेलिंग हैंडलूम टेक्सटाइल से की गई है जो कि स्टेट के अलग अलग कम्युनिटी से है। एंड दिस इज द लिविंग रूम, यहाँ पे फर्नीचर को इस तरीके से प्लेस किया गया है सो दैट कि इसे इन्हेंस किया जाए कॉलोनियल एसेंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी विंटेज चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये फ़ोन भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे छोटी छोटी जिस तरीके से चीज़ों को रखा गया है। एंड यहाँ से आगे जाते ही ये है एक मीटिंग रूम, मीटिंग रूम विच हैज़ नेविगेटिंग द रिवर एज इट्स थीम। इस रूम में यहाँ बड़ा सा टेबल है विथ ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ वेसल्स एंड शिप्स। एंड दिस इज द लाइब्रेरी हॉल, इस लाइब्रेरी हॉल को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है। इसका जो मेजर पार्ट है दैट इज विंटेज असम गैलरी। एंड ये जो है लाइब्रेरी का अदर पार्ट विच इज माजुली कॉर्नर। सेक्शन में यहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के बुक्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आप 100 ईयर्स ऑफ असम हिस्ट्री देख सकते हो फोटोग्राफ के थ्रू।
एंड जो नेक्स्ट एरिया है द सेंट्रल हॉल, लाइफ अलोंग द रिवर थीम है बेसिकली इस रूम का। यहाँ जितने भी चीज़ों से डेकोरेशन किया गया है रिवर लाइफ से सब रिलेटेड है। एंड ये आप देख सकते हो द ट्रेडिशनल लूम। एंड दिस इज द आर्ट लॉबी। आर्ट लॉबी में आपको पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स मिलेंगे। ये हम स्टेयर्स से फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगा। और यहाँ से निकल के हम प्ले जोन की तरफ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो कितना बड़ा चेस बोर्ड है यहाँ पे।
आर्ट गार्डन के राइट साइड में एक सेक्शन है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड यहाँ पे एक एम्पीथिएटर भी है। एंड अगर आप शाम को भी आओगे तो भी ये बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।